आई एम डॉक्टर शिप्रा गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर एट कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय जयपुर. इन माई लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू डाइजेस्टिव ग्लैंड दैट इज लिवर एंड टुडे विल स्टार्ट पैंक्रियाज. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द लोकेशन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स. लाइक देखिए पैंक्रियाज, ये जो है यहाँ पर दीज आर द पैंक्रियाज जो कि स्टमक के स्टमक जो है यहाँ पर उसके जस्ट नीचे है. देख रहे हैं ये दीज आर द पैंक्रियाज अंडर नीड द स्टमक. दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस वन इज गॉल ब्लैडर, राइट, एंड दिस इज अ लिवर. सो दीज आर द लोकेशंस ऑफ दीज ऑर्गन्स इन फ्रॉग. Now, so what we have seen that these pancreas, they are actually irregular branch flattened and pale colored gland that have exocrine and endocrine function both. They are held by mesentery. They are held by the mesentery between the stomach and the duodenum. They are passed by a common bile duct into which the pancreatic duct also open, and thus we call it as a hepatopancreatic duct. नाउ इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो मैनी लोब्स या लोब्यूल्स में डिवाइडेड होता है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टिव टिश्यू से हेल्ड होता है, जिसके अंदर पैंक्रियाटिक डक्ट्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं. ये जो लोब्यूल्स होते हैं इनके अंदर न्यूमरस ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स होती है जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं, और ये जो एल्वियोलस होता है उसके अंदर पिरामिडल ग्लैंडुलर पैंक्रियाटिक सेल्स होते हैं अराउंड द सेंट्रल कैविटी. ये जो एल्वियोलाई हैं वो एक दूसरे के साथ यूनाइट करते हैं थ्रू देयर डक्ट्यूल्स, जिससे कि वो फिर यूनाइट करके लार्ज डक्ट्स बनाते हैं और फाइनली वो पैंक्रियाटिक डक्ट, दिस इज अ पैंक्रियाटिक डक्ट दैट दे आर फॉर्मिंग. पैंक्रियाटिक डक्ट फिर बाइल डक्ट के अंदर ओपन होती है और फिर वो पास होती है इन द पैंक्रियाज, राइट. तो ये जो पैंक्रियाटिक सेल्स होते हैं ये लार्ज न्यूक्लियाई नॉन ग्रैनुलोसाइटोप्लाज्म होते हैं और ये पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं जो भी फूड इंजेस्ट किया गया है. इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, एंडोक्राइन पार्ट जिसके अंदर हमने बोला जो एल्वियोलाई जो है कनेक्टिव टिश्यू में जो इन द कनेक्टिव टिश्यू जो एसिनी या एल्वियोलाई जो प्रेजेंट हैं दे आर कॉम्पैक्ट ग्रुप ऑफ सेल्स जिन्हें कि हम पैंक्रियाटिक आइसलेट्स और आइसलेट्स ऑफ लैंगरहान कहते हैं. ये जो सेल्स होते हैं ये समवॉट स्फेरिकल होते हैं और अरेंज होते हैं इन अ कॉम्पैक्ट ग्रुप, और इनके अंदर क्या होती है लाइट स्टेनिंग होती है. तीन तरह के आइसलेट्स होते हैं जो कि कैपिलरीज से सेपरेटेड होते हैं. अल्फा सेल्स होते हैं जो कि एक्रोमेटिक न्यूक्लियाई जिनके अंदर होता है, लार्ज एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि ग्लाइकोजन हार्मोन सिक्रीट करते हैं और वो शुगर कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं ब्लड के अंदर. इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो वो हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है. बीटा सेल्स होते हैं जो स्मॉल राउंडेड डीपली स्टेन न्यूक्लियाई होते हैं जो कि ऑरेंज ब्राउन ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं. उसके अलावा इनके अंदर डी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर वेसिकल न्यूक्लियाई और बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा जो इंसुलिन होता है वो प्रेजेंट होता है जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर एसेंशियल होता है फॉर रेगुलेटिंग द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर एंड मसल्स, कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर इन द ब्लड एंड फॉर इंक्रीजिंग द एबिलिटी ऑफ टिश्यूज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको पता ही है डायबिटीज हो जाती है जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं. अगर हम फिजियोलॉजी देखें डाइजेशन की क्या होता है, फ्रॉग जो है वो कार्निवोरस एनिमल है तो वो अर्थवॉर्म, स्पाइडर, स्नेल जितने भी ये स्मॉलर फ्रॉग्स को भी इवन वो खा लेता है, स्मॉल इंसेक्ट्स, उनको क्या करता है ये कैप्चर करता है और स्वेलो करता है डायरेक्टली इनटू द स्टोमक विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टेबल टंग. इसका जो मोड होता है कैचिंग ऑफ इट्स प्रे वो रिमार्केबल होता है. इसकी मैंने आपको लास्ट जब मैंने लेक्चर दिया था उसमें एक क्लिपिंग भी दिखाई थी कि किस तरह से जो ये स्टमक ये जो फ्रॉग होता है वो किस तरह से प्रे को कैच करता है. तो जब जिस समय फीडिंग करता है तो फ्रॉग क्या करता है एक जगह बैठ जाता है और इंसेक्ट को देखता है, ठीक है. जैसे ही प्रे उसके पास में आता है वो अपना माउथ ओपन करता है, सडनली फ्लिक आउट इट्स स्टिकी स्टिकी टंग एंड स्ट्राइक्स द प्रे,
और जैसे ही प्रे उसके कांटेक्ट में आता है टंग के, वो इमिडिएटली उससे चिपक जाता है, और नाउ द टंग इज विड्रॉन इन टू द बकल कैविटी। अब जब एक बार प्रे जो है वो बकल कैविटी में जब आ गया, नाउ वो बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वो है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हुक लाइक इनवर्डली डायरेक्टेड मैक्सिलरी एंड वोमेरन टीथ प्रेजेंट है उसके अंदर। नाउ बकल कैविटी से ये जो खाना है वो पुश हो जाता है ईसोफेगस में बाय द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ फेरिंजियल वॉल, एंड देन पेरिस्टोल्सिस से ये पेरिस्टोल्सिस होता है विद द कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ मस्कुलर वॉल ऑफ ईसोफेगस। तो वहाँ से ये कहाँ जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। देखिए ये जो मैकेनिज्म दिखा रखा है, जैसे माउथ ओपन रखता है ये, जैसे इंसेक्ट को देखता है, उसके बाद ये अपनी जीभ बाहर निकालता है, ठीक है, और उसको कैच कर लेता है इंसेक्ट को, टंग को फिर अंदर विड्रॉ कर लेता है और माउथ को एकदम से बंद कर लेता है। तो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ कैप्चरिंग अ प्रे विद अ स्टिकी प्रीहेंसाइल टंग। सो ड्यूरिंग फीडिंग जो भी फूड इसके अंदर इंजेस्ट होता है एनिमल के अंदर, उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इमीडिएट यूज नहीं किए जा सकते क्योंकि वो इनसॉल्युबल होते हैं एंड कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो उस फूड के अंदर क्या होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं जिससे कि उस फूड को सॉल्युबल फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सके फॉर द इमीडिएट यूज ऑफ द बॉडी। तो फिजिकल चेंजेस जो किए जाते हैं वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल, उससे होते हैं, और केमिकल चेंजेस जो है वो होते हैं बाय द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जिसे हम एंजाइम कहते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शंस करते हैं और बिना खुद को चेंज किए। तो ये स्पेसिफिक होते हैं इनकी प्रॉपर्टी में, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, और हमेशा ये एक ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर पर एक्ट करते हैं। तो दे कैन ऑल्सो एंड उनमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब द सब्सटेंसेस दे हैड चेंज, दे कैन बी रीफॉर्म, एंड दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द फूड किस पे वो एक्ट कर रहे हैं। तो जैसे प्रोटीन्स जो है उनको वो डाइजेस्ट करते हैं बाय प्रोटीलाइटिक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को वो एमाइलोटिक एंजाइम से, और फैट्स को लाइपोलाइटिक एंजाइम से डाइजेस्ट किया जा सकता है। नाउ अब जब अब फ्रॉग ने प्रे को कैप्चर कर लिया, तो इसके अंदर जो फिजिकल चेंजेस है दैट इज मेस्टिकेशन वगैरह कुछ नहीं होता इसके अंदर, केमिकल एक्शन कुछ नहीं होता बकल कैविटी के अंदर क्योंकि बकल एपिथेलियम के अंदर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है। लेकिन जो बकल कैविटी है उसके अंदर ये बकल कैविटी क्या करती है, जो प्रे है उसको डायरेक्टली पुश करती है ईसोफेगस में, ठीक है, वही एक फिजिकल चेंज इसके अंदर आता है ड्यू टू द कॉन्स्टेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन इट्स वॉल। अब म्यूकस जो होता है वो द ग्लैंड ऑफ ईसोफेगस जो है वो क्या सिक्रीट कर रही है, पेप्सिन सिक्रीट कर रही है, लेकिन कोई डाइजेशन नहीं होता है इसके अंदर, वो सिर्फ क्या करता है, इट डज नॉट बिकम एक्टिव जब तक फूड जो है वो एक्टिव नहीं होता, जब तक कि वो स्टमक में नहीं पहुंच जाए। तो सिंपली म्यूकस क्या कर रहा है, फूड जो एक्टिव फूड है उसको इनएक्टिव कर रहा है, सॉफ्ट कर रहा है जिससे कि वो इजिली स्टमक के अंदर पास हो जाए। नाउ व्हेन इट कम्स इन द व्हेन बाय द इसोफेगल कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन द फूड नाउ कम्स इन टू द स्टमक के अंदर आ जाता है। अब स्टमक के अंदर तीन मेन फंक्शंस होते हैं, दिस इज अ स्टमक। अब जब फूड जो है वो किसके अंदर आ गया, स्टमक के अंदर आ गया, स्टमक के अंदर तीन मेन फंक्शन हो रहे हैं, स्टोरेज, मैकेनिकल मिक्सिंग और केमिकल मॉडिफिकेशन। जैसे ही फूड स्टमक के अंदर आएगा उसकी जो वॉल है उसके अंदर मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होंगे जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जो कि फूड को नॉट अलाउ द फूड टू गो डाउन बट ब्रेक डाउन इनटू, मतलब वो केवल फूड को है ना नीचे पास नहीं करता बल्कि उसका ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है स्मॉल पीसेस में, और उसको मिक्स करता है विद द गैस्ट्रिक जूसेस जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं वो सिक्रीशंस सिक्रीट करते हैं जो कि गैस्ट्रिन हारमोन्स से एक्टिवेट होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय द स्टमक एज सून एज द फूड कम्स डाउन टू द स्टमक। नाउ गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है, तो और इनएक्टिव पेप्सिनोजन एंजाइम होता है और फ्री हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ी हुई होती है। तो जो ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन होता है वो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिक्स करता है, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो नाउ दिस एसिड क्या कर रहा है, ये एक तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट कर रहा है और उसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हैं उनको डिसॉल्व करता है जिससे कि जो फूड है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट एंड वाटर प्रेजेंट है, HCl है, तो ये क्या कर रहा है फूड को
ब्रेक डाउन कर रहा है स्मॉल पार्ट्स के अंदर, और दूसरी बात इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हैं उनको डिजोल्व करके फूड को सॉफ्ट बनाता है। पेप्सिन जो है स्टमक में अलोंग विद द पेप्सिन ऑफ ईसोफेगस, वो प्रोटीन्स पे एक्ट कर रही है, और वो किसको प्रोटीन्स पे एक्ट करके वो क्या बना रही है, प्रोटीओसेस एंड पेप्टोन्स वो फॉर्म कर रही है। तो मतलब पेप्सिनोजन जो एससीएल का मिक्स करके पेप्सिन को एक्टिव बना देते हैं, और एक्टिव पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के साथ मिक्स करके पेप्टोन्स और प्रोटीओसेस बना देते हैं। अब 2-3 घंटे तक ये जो खाना है वो स्टमक के अंदर रहता है, उसमें चर्निंग हो रही होती है, मिक्सिंग होती है बाय मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द स्टमक वॉल, और ये एक थिक क्रीमी एसिड फ्लूइड बन जाता है जिसे हम काइम कहते हैं। नाउ मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ दिस स्टमक वॉल फोर्स दिस काइम टू पास एन स्मॉल अमाउंट एट अ टाइम थ्रू पाइलोरस इनटू द ड्यूडिनम। तो अब कहाँ पर आ गया, ड्यूडिनम में आ गया। जैसे ही फूड ड्यूडिनम में एंटर कर दिया, यहाँ पर क्या है, फूड जो है एसिडिक है क्योंकि इसके अंदर एचसीएल प्रेजेंट है, और एचसीएल जो है वो किससे सीक्रेट हो रहा है, ऑक्सेंटिक सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक। तो जो एसिड फूड के अंदर प्रेजेंट है वो ड्यूडिनम को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, वो सीक्रेटिन और कोलिसाइटोकिनिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जो कि ब्लड के अंदर पास करेगी और पैंक्रियाज में और लिवर के अंदर पहुंच जाएगी। सीक्रेटिन स्टिमुलेट्स द पैंक्रियाज टू रिलीज इट्स पैंक्रियाटिक जूस, जबकि कोलेसेटोकिन एक्टिवेट करेगा गॉल ब्लैडर को टू रिलीज बाइल जूस। बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस दे आर पोर्ड साइड बाय साइड इनटू द ड्यूडेनम थ्रू द कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। एट द सेम टाइम क्या होगा, जो इंटेस्टाइनल म्यूकस है वो भी इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट कर रही है जिसे हम सकस एंट्रिकस कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंट्रोक्राइनिन हार्मोन। तो ये तीनों सब्सटेंसेस मिक्स करके मिक्स होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, क्या क्या, बाइल, पैंक्रियाटिक जूस और सकस एंट्रिकस, ठीक है, और ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो बाइल क्या है, ये हम बाइल क्या है, ग्रीनिश, जो बाइल है दैट इज ग्रीनिश एल्कलाइन फ्लूड है जिसके अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये एल्कलाइन है क्योंकि इसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टॉर्कोलेट, जो कि न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को सेमी डाइजेस्टिव फूड की, और जो कि जिसे हम काइम कह रहे हैं, और प्रिपेयर करता है इसको फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस दैट कैन एक्ट ओनली इन द एल्कलाइन मीडियम। तो ये फैट्स को ब्रेक डाउन करता है इंटू स्मॉल ग्लोबुल्स विच कैन बी नाउ इमल्सिफाइड। तो फैट जो है वो भी स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो गए। तो बाइल जूस जो है वो एक्टिवेट कर रहा है फैट डाइजेस्टिक एंजाइम्स ऑफ द पैंक्रियास द लाइपेज। पैंक्रियाटिक जूस जो है वो वाटरी अल्कलाइन फ्लूड है जिसके अंदर तीन पावरफुल एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिनोजन, एमाइलोप्सिन, स्टेप्सिन, एंड ये सारे एक्ट करते हैं अल्कलाइन मीडियम में और हाइड्रोलाइज करते हैं ऑल थ्री टाइप्स ऑफ फूड सब्सटेंसेस। तो ट्रिप्सिनोजन जो है इज एन इनएक्टिव एंजाइम जब तक कि वो एंट्रोकाइनेज एंजाइम से मिक्स नहीं हो जाता। तो जो ये एंट्रोकाइनेज है वो एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन और ये एक्टिव ट्रिप्सिन फॉर्म कर लेता है। एक्टिव ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, पेप्टोन्स और प्रोटीसेस दे विल चेंज इन टू सिंपल एमिनो एसिड्स। तो एमाइलोप्सिन मतलब एमाइलेज जो है वो स्टार्च पे एक्ट कर रहा है और उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्टिपेज लाइपेज एक्ट करता है फैट्स के ऊपर और फैटी एसिड्स और ग्लिस्ट्रोल बना देता है। तो ट्रिप्सिन प्लस एंट्रोकाइनेज दे आर फॉर्मिंग द ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म। ट्रिप्सिन प्रोटीन पर रिएक्ट करता है, पेप्टोन्स प्रोटीसेस अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, एमाइलोप्सिन स्टार्च से साथ रिएक्ट करके माल्टोज डाइसेक्राइड्स बना लेता है, और स्ट्रिप्सिन जो है वो इमल्सिफाइड फैट्स पर एक करके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। सकस एंट्रिकस इट इज एन एल्कलाइन फ्लूइड विच कंटेन मेनी एंजाइम्स, इट इज एंट्रिकोइनेज जिसका हमने फंक्शन अभी देखा, पेप्टाइडेजेस जिसका फंक्शन देखा, लाइपेज और माल्टेज का फंक्शन देखा, उसके अलावा इन्वर्टेज और लैक्टेज होते हैं जो सुक्रोज पे और लैक्टोज पे एक करते हैं, दैट इज दे रिड्यूस देम इनटू द ग्लूकोज। राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड को चेंज करते हैं इनटू न्यूक्लियोटाइड्स, तो दे आर यूज इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड एटीपी। दस फूड इज थॉरोली डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स, और एज अ रिजल्ट जितना भी प्रोटीन फूड के अंदर है वो रिड्यूस हो जाता है अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर और सिमिलर शुगर्स में, और फैट जो है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो प्रोसेस होता है जिससे कि डाइजेस्टेड फूड जो है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो ये कहाँ से होता है, मेनली ड्यूडिनम और ईलियम जो है वो मेन रीजन है इसके, क्योंकि उनके अंदर डेवलपमेंट होता है वेरियस फोल्ड्स का विद द
विलाय लाइक प्रोसेसेस। इनका एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एंड दे आर इन द रीजन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो विलस होते हैं दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज, राइट, दीज आर द वेन्स, दीज आर द आर्टरीज, एंड और वी कैन से द लिम्फ वेसल्स, दे आर द लेसिटियल। तो वाटर और मिनरल सॉल्ट्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू द म्यूकोसा। अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये तो डिफ्यूजन से हो रहे हैं फ्रॉम द म्यूकोसा इनटू द ब्लड कैपिलरीज ऑफ द इंटेस्टाइन। फाइनली देन दे विल रीच द लिवर थ्रू द हेपेटिक पोर्टल वेन। लिवर जो है वो फिर मेंटेन करता है स्टेडी सप्लाई ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स इनटू द ब्लड, कि अगर एक्सेस शुगर है तो वो ग्लाइकोजन में फॉर्म हो जाएगी, जबकि एक्सेस अमीनो एसिड्स हैं तो वो तो रिजर्व नहीं कर सकते हम, तो वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा लिवर सेल से और वो फिर एलिमिनेट हो जाएगा एज अ यूरिन फ्रॉम द बॉडी बाय द किडनीज। तो शुगर की जो कंसेंट्रेशन है वो अगर कम हो जाती है नॉर्मल से ब्लड के अंदर, तो जो रिजर्व ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा लिवर सेल और वो ब्लड के अंदर भेज देगा। ब्लड जो है फिर वो पिकअप द रिक्वायर्ड अमीनो एसिड टू सिंथेसाइज द प्रोटीन्स टू फॉर्म द प्रोटोप्लाज्म। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स जो हैं वो पास हो जाएंगे इनटू लिम्फ वेसल्स, जिसे कि हम लेसिटल्स कहते हैं, और ग्लिसरॉल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है इजीली क्योंकि वो सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन फैटी एसिड्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते क्योंकि वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो बिफोर एब्जॉर्प्शन जो फैटी एसिड्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, बाइल सॉल्ट के साथ मिक्स करना पड़ता है ना। तो देखिए इस तरह से अमीनो एसिड, वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट्स जो हैं वो इंटेस्टाइन एपिथीलियम से दे एंटर इनटू द ब्लड वेसल्स, दीज आर द आर्टरीज एंड द हेपेटिक पोर्टल वेन, राइट। देन एसिमिलेशन, दैट इज फ्रॉम द ब्लड डिफरेंट सेल्स दे पिक अप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव फूड्स ईदर टू बिल्ड न्यू प्रोटोप्लाज्म और यूज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। तो ये जो फिनोमिना है इसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। विटामिन्स जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं डाइजेस्टिव फूड को न्यू प्रोटोप्लाज्म में, और मिनरल सॉल्ट्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। वेरियस फूड स्टफ्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस कैन बी चेंज इनटू अदर रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस, देन द इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। मतलब जब डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो अब जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बचा है वो कहाँ जाएगा, रेक्टम में जाएगा बाय द पेरिस्टल्सिस फॉर द स्टोरेज एंड द फॉर्मेशन ऑफ फीसिस। ओल्ड एपिथीलियम सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, बाइल पिगमेंट्स और लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो हैं वो फीसिस को फॉर्म करेंगे, जो फिर बाद में रिमूव होता है टाइम टू टाइम थ्रू द क्लोइकल ओपनिंग। देर इज अ स्मॉल क्लिपिंग which is showing this digestive system. The digestive system of frog mainly consists of alimentary canal and digestive glands. The alimentary canal is short because frogs are carnivores and hence the length of intestine is reduced. The mouth opens into buccal cavity that leads to the esophagus through pharynx. Esophagus is a short tube that opens into the stomach, which in turn continues as the intestine, rectum, and finally opens outside by the cloaca. Liver secretes bile that is stored in the gallbladder. Pancreas, a digestive gland, produces pancreatic juice containing digestive enzymes. Food is captured by the bilobed tongue. Digestion of food takes place by the action of HCl and gastric juices secreted from the walls of the stomach. Partially digested food called chyme is passed from stomach to the first part of the intestine, the duodenum. The duodenum receives bile from gallbladder and pancreatic juices from the pancreas through a common bile duct. Bile emulsifies fat and pancreatic juices digest carbohydrates and proteins, and final digestion takes place in the intestine. Digestive food is absorbed by the numerous finger-like folds in the inner wall of intestine called villi and microvilli. The undigested solid waste moves into the rectum and passes out through cloaca. References are R.L. Kotpal, Modern Textbook of Zoology,
some websites like www.notesonzoology.com, www.thinklink.com, youtube.com, google.com, and images.com. Thank you.